श्रम एवं नियोजन मंत्री और बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने अलवर लोकसभा उपचुनाव की जंग हारने के बाद शनिवार को शहरी क्षेत्र में कार्यालय भवनों के जल स्वावलंबन रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 36 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके साथ ही पंचायत समिति परिसर में श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के 106 लाभार्थी श्रमिकों को 55,000 रुपए के चेक भी वितरित किए गए। मंत्री ने उपखंड कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य और सरकारी अस्पताल में नए चालू वार्ड का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मंत्री ने पंचायत समिति में ग्राम सेवक विश्रांति गृह और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी दिवस पर 26 लाख रुपए की टीबी जांच मशीन का उद्घाटन किया। पंचायत समिति में शिक्षकों ने समस्या बाबत मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी मंत्री के साथ रहे। सबसे पहले मंत्री ने नगर पालिका में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग शिलान्यास से शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के शिलान्यास भी किए। इस दौरान मंत्री ने अलवर लोकसभा चुनाव हारने का जिक्र करते हुए उपस्थित लोगों को कहा कि चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में जो 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को निरस्त किया गया था उसका मुख्य कारण बजट में कमी होना था। संभावना के अनुसार चुनाव जीतना तय था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद 2 करोड़ रुपए का जो बजट मिलता वो विकास कार्यों में लगाया जाता। इसी वजह से चुनाव होने से पहले विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। चुनाव हारने के बाद 2 करोड़ रुपए का बजट नहीं आने के कारण कुछ विकास कार्य निरस्त करने पड़े थे। ये हमने वाटर हार्वेस्टिंग केस के तहत मुख्यमंत्री शहरी जल स्वावलंबन योजना के तहत इसको 36 लाख हम चाहते हैं पानी बचे, पानी वेस्ट करें, उसके तहत हमारी गवर्नमेंट से पानी का कोई देख रेख नहीं कर पाता था। वो सारे खराब हो पॉन्ड बना के नीचे रोकेंगे, कुछ हमारे हॉर्टिकल्चर में काम आ जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित, नगर पालिका यो मनीषा, नायब तहसीलदार कमल पचौरी, कृषि उपज मंडी सदस्य अजीत यादव, पूर्व चेयरमैन जले सिंह सहित काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।